सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। 11 मार्च को यहां के बहलपुरी भवन में अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी के शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी समारोह समाज सेवी संस्था शक्ति सेवा संस्थान राजपुरा की ओर से मनाया जा रहा है। यह शहीदी समारोह यहां के बहलपुरी भवन में 11 मार्च 2018 दिन रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मनाया जाएगा, जहां समाज सेवी संस्थाओं, राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं सहित प्रशासन के भी लोग इस शहीदी समारोह में पहुंचकर जहां अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, वहीं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कसम भी खाएंगे। इस शहीदी समारोह के बारे में विशेष तौर पर न्यूज 89 की टीम को जानकारी देते हुए शक्ति सेवा संस्थान के संस्थापक व चेयरमैन श्री अशोक चक्रवर्ती ने जहां इस समारोह के बारे में बताया, वहीं अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अशोक चक्रवर्ती जी, ये जड़ा शहीदी समारोह होने जा रहा है 11 मार्च नू, इस बारे थोड़ी जी जानकारी दो भी एक किस दी याद कराया जा रहा है और क्यों कराया जा रहा है। ये शहीदी दिवस सत्य प्रकाश जी प्रभाकर 16 मार्च 1990 नू उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए दो सिर फिरे नौजवानों ने उन्होंने शहीद कर दिता सी, इस करके उन्होंने शहीदी दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बारी 11 मार्च एतवार को शहीदी दिवस बहलपुर भवन में मनाया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह गवर्नर साहब पंजाब ने आना सी, उन्होंने भाई साहब का देहांत होने कारण वो नहीं आ रहे, होर कुछ अधिकारियों नाल गल चल रही है, कोई ना कोई अधिकारी उपरों आएगा, नहीं तो हनुमान जी उत्थे विराजमान करके उन्होंने उद्घाटन कराया जाएगा। तो कि शहीदों की याद लाया जा रहा है, मेन तो प्रभाकर जी शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उस दिन देश के जो महान क्रांतिकारी ने उन्होंने सारे का श्रद्धा सुमन भेंट किए जाएंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सारे का ही शहीदी दिवस नू समर्पित कार्यक्रम किया जाएगा। तो कि स्थान पर मनाया जा रहा, तो कौन सीगे सत्य प्रकाश प्रभाकर जी? ये बहलपुर भवन राजपुरा टाउन 11 तरीक न सवेरे 10 बजे तो 12 बजे तक यह समारोह होगा। सत्य प्रकाश जी प्रभाकर हर दिल के चाहण वाले नेता से, गरीब हो या अमीर हर दे दुख सुख भी आते। प्रभाकर जी नगर कौंसल राजपुरा के प्रेजिडेंट भी रहे, जदों शहीद होए उस टाइम राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पंजाब के उप प्रधान सन। प्रभाकर जी जदों नगर कौंसल के प्रधान सन, जो अपने राजपुरे सीवरेज सिस्टम है जां बाखड़ तो पानी आया है ये उन्होंने टाइम दे विच आया है। उस टाइम नगर कौंसल को पैसा नहीं सी, उन्होंने पंजाब सरकार को डिमांड की, पंजाब सरकार को भी पैसा नहीं सी। प्रभाकर जी वर्ल्ड बैंक तो पैसा लिया के राजपुरे सीवरेज सिस्टम ते पानी सिस्टम लिया है। यहो जिहा लीडर अज तक फिर उस तो बाद पैदा नहीं होया। मैं आने वाली पीढ़ी नूं यह संदेश देवांगा, जिहड़ी कौम जिहड़े देश शहीदां नूं भुल जांदे हन वह कौम ते देश खत्म हो जांदे हन। ये दुनिया का इतिहास है। जंग हथियारों को लगती है, इरादों को नहीं, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। अशोक चक्रवर्ती जी, जेड़ा तुसी एक कार्ड बनाया है, निमंत्रण कार्ड बनाया है, शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी की फोटो लगी है, तो भारत माता जी की फोटो लगी है, तो एक चीज़ इसी देखन हैगी भी जिहड़ी गऊ माता की फोटो लगी हुई है, ये पहला कभी किसी कार्ड पर देखी नहीं, ये बारे दसो भी ये क्या? प्रभाकर जी की फोटो लगी है, प्रभाकर जी का शहीदी दिवस है, भारत माता की फोटो लगी है, क्यों जी साड़ी संस्था है वो नैशनलिटी के उपर काम करती है। साड़ी संस्था सोचती है कि आने वाली जनरेशन अंदर नैशनलिटी किस तरह पैदा होए, उस करके भारत माता की फोटो लाई है, पिछले देशभक्तों की फोटो भी लाई है, उस तो बाद गऊ माता जी फोटो लगी है, गऊ माता की फोटो इस करके लाई है। साड़ी संस्था जल्द ही, बहुत जल्द एक राजपुरे के नेड़े तेड़े भारतीय नस्ल की गऊशाला खोलन जा रही है, उसके गऊशाला रिसर्च सेंटर भी नाल होएगा, ये जल्द ही राजपुरे नेड़े गऊशाला खोलन जा रही है। इस करके ये साड़ी संस्था उत्थे घोषणा करेगी कि
कि जल्द गौशाला खुलने वाली है राजपुरा। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि पिछले समय में राजपुरा के टाली वाले चौक में स्वर्गीय श्री राज खुराना जी द्वारा यहाँ एक समारोह करवाकर इस चौक का नाम अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर चौक के नाम पर रख यहाँ उनके नाम का पत्थर भी स्थापित किया गया था, मगर कुछ समय बाद ही इस पत्थर को किसी शरारती व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया था। मगर आज इसी स्थान पर शक्ति सेवा संस्थान द्वारा शहीद की याद में बड़ा ही सुंदर स्थान बना उनकी फोटो स्थापित की गई है, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और यह एक महान कार्य है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।